बाढ़ और जल भराव बिहार की मुख्य समस्या रही है, जिसके कारण यहाँ जान माल की हानि के साथ खेती भी प्रभावित होती रही है। बरसात में निचले जल भराव के क्षेत्र सामान्य और रबी फसलों के लिए अनुपयुक्त रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए बोरो धान की प्रजाति किसी वरदान से कम नहीं। कि बोरो धान जहाँ तक बात है, ये बिहार के लिए बहुत ही लाभदायक है, खास करके बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में। ऐसे जहाँ नीची जमीन है, जहाँ धान नहीं हो पाती है, वहाँ ये इसकी खेती होती है। वहाँ आप कुछ नहीं ले सकते हैं उस समय, जिस समय ये अक्टूबर पानी जमा रहता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठंडा रहता है, तो उसमें कोई फसल आप नहीं ले सकते, ना गेहूँ ले सकते हैं, जो जनरली मेन सीजन बिहार का है। तो उस इलाके में ये बोरो धान लगाया था। रोग कीट और मौसमी खरपतवार की न्यून संभावनाओं के कारण सामान्य धान की तुलना में लगभग 30-50% तक अधिक उपज बोरो धान की खेती से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि एक अतिरिक्त उत्पादन के रूप में प्रदेश और किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। इस तरह अनुत्पादक भूमि के उपयोग से कुल फसल आच्छादन क्षेत्र में वृद्धि और कृषकों के बेकार समय का सदुपयोग होने से उत्पादकता और आय में बढ़ोतरी की जा रही है। बोरो धान की खेती में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चयनित जिलों में पूर्णिया ने खास उपलब्धियां हासिल की हैं। बोरो में उपज की गारंटी होती है, इसलिए इसको किसान पूरे मनोयोग से करते हैं और किसानों को लगता है हम अच्छे ढंग से करेंगे तो हमारी यील्ड आएगी। न तो इसमें बाढ़ का चिंता होता है, न तो सुखाड़ का चिंता होता है। जिन किसानों के पास अपनी सिंचाई सुविधा है वो इसको कर रहे हैं और लगभग 10,000-12,000 फार्मर हमारे इस योजना के अंतर्गत मैंने बोरो धान कर रहे हैं और दिनों दिन इसकी संख्या, किसानों की संख्या बढ़ रही है। हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में इसकी संख्या चौगुनी पचगुनी होगी। पूर्णिया जिले में कई भूभाग हैं जो बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद भी लंबे समय तक जल जमाव से तबाह रहते हैं। बरसात में अधिक जल भराव से आच्छादित क्षेत्रफल, जिसका जल वर्षा ऋतु समाप्त होने के साथ साथ घटकर अधिकतम 30 सेंटीमीटर रह जाता है, बोरो धान के लिए उपयोगी होता है। कहीं कहीं जहां बड़ी नहरों के किनारे वाली भूमि जो सदैव जल रिसाव यानी सीपेज के कारण जलाच्छादित रहती है, इन क्षेत्रों के लिए बोरो धान ही आदर्श माना जाता है। गर्मा धान की खेती हमारे यहाँ काफी किसानों के द्वारा की जाती है, क्योंकि यहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ आने के कारण खरीफ धान की खेती होती नहीं है, जिसके वजह से जो है खेत खाली रहता है और गर्मा का फसल किया जाता है। बोरो धान की खेती से गर्मा अर्थात बोरो, हमारे यहाँ बोरो धान को ही गर्मा धान बोला जाता है, बोरो धान की खेती से काफ़ी फायदा मिला है लोगों को। इसमें जो है बचत भी काफ़ी मात्रा में होता है, उपज भी कम समय में अधिक उपज होता है, फिर बाढ़ से डर नहीं रहता है, जिसके कारण लोग इसको अपनाते हैं। गर्मा धान की खेती से खेत में उर्वरा शक्ति भी खराब नहीं होती है, चूँकि आगे भी खेत खाली रहता है, जिसके वजह से जो है जंगल खड़ इत्यादि गाय भैंस चरते रहते हैं और खेत जो है मजबूत हो जाते हैं, जिससे खेत को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। पूर्णिया जिले में बोरो धान के उत्पादन की कार्य योजना के तहत समय पर धान की रोपनी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसके साथ ही समेकित उर्वरक प्रबंधन और कीट प्रबंधन को प्राथमिकता मिल रही है। कृषि विभाग के मुताबिक खेती योग्य भूमि में एक साथ 2 से 3 फसल लेकर कृषि को लाभकारी बनाया जा रहा है। बोरो धान को करवाने के लिए बिहार सरकार के बहुत सारे टेक्निकल टीम यहाँ पे काम कर रही है, जैसे कृषक सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, जिला कृषि पदाधिकारी है, आत्मा की टीम है। मैं उन लोगों की मदद से ही यहाँ पे बोरो धान की खेती की जाती है। अभी हम लोग जिस कंडीशन में पहुँचे हैं, यहाँ पे आप जो जितने भी देख रहे हैं धान की फसल लगी हुई है, ये ग्रीन फील्डिंग की कंडीशन में है। अभी यहाँ पे कीट व्याधि का जो भी प्रकोप हो रहा है, इससे पहले किसान ने यहाँ पे काटाप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया। हम लोगों के देख रेख में जो भी कृषक थे उन्होंने काटाप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया और हाल फिलहाल में जो भी अभी कीट लग रही है उस पर क्लोरोपाइरिफॉस या इसका साइपरमेथ्रिन और अल्फामेथ्रिन का ये लोग यूज करके इसको बचाव कर रहे हैं। इसके लिए सिंचित क्षेत्र में गेहूं के साथ राई, सरसों और तीसी की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। दियारा क्षेत्र में भी तिलहन की खेती के लिए बीज पर अनुदान दिए जाने की योजना है। योजना के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में तिलहनी फसल पर बल दिया जाएगा जहां नहरों का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाता है। जिस खेत में रोपाई करना है, गर्मी के मौसम में कम से कम 2 जुताई और मजबूत मेड़ बनाना अति आवश्यक है। दस टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर बरसात आरंभ होने से पहले खेत में बिखेर कर जुताई और पाटा लगा देते हैं। बोरो धान के लिए सिंचाई सुविधा से युक्त भारी मृदा होनी चाहिए। पौधे वाले खेत में 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर दर से गोबर या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद डालने के साथ साथ प्रति 1/10 हेक्टेयर में 25 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालना आवश्यक है। खाद और उर्वरक डालकर खेत में जुताई यानी पाटा करके अच्छी तरह मिला देते हैं। नर्सरी डालने से पहले बोवेस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन करना श्रेयस्कर होता है। इसके बाद बीज को रात भर के लिए पानी में डुबा देते हैं। प्रातः पानी से बाहर निकालकर छाया में जूट के बोरों पर फैलाने के बाद पुनः जूट के भीगे बोरों से ढक देते हैं। दो दिन बाद ये बीज अंकुरित होकर पौध डालने लायक हो जाता है। खेत में पानी भरकर अच्छी जुताई और पाटा लगाकर छोड़ देते हैं। धान की तैयारी हम लोग 25 अक्टूबर से ही शुरू कर देते हैं, जिसमें धान को साफ सफाई करने के बाद एक धान के अनुसार एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं, उसमें फिर पानी डालते हैं। पानी डालकर उसमें जितने भी कचरा होते हैं या खाक की मात्रा होती है उसको छान कर निकाल देते हैं। निकालने के बाद 2 से 3 बार पानी से धोकर किसी छांव में रख देते हैं। जब वो 50 घंटा पूरा हो जाता है तो उसको फिर निकाल कर एक जूट का बोरा में भर देते हैं। जूट का बोरा में भरने के बाद वह जो है ज़मीन पर कुछ पुआल इत्यादि लेटा कर उस पर लेटा देते हैं और फिर उसको जो है समतल आकार का बना देते हैं, बोरा को समतल आकार बना देते हैं। उस पर सुबह शाम पानी डालते हैं, फिर उसको बोरा को सुबह शाम पलटते हैं, फिर पानी का छिड़काव करते हैं और इस बीच में उसको जूट का बोरा से ढकते भी हैं ताकि उसमें गर्मी बना रहे। इस बीच में जो है अंकुरण होना शुरू हो जाता है और वो अंकुरित हो जाता है।
सायंकाल अंकुरित बीजों को समान रूप से खेत में 90 से 100 ग्राम बीज प्रति वर्ग मीटर की दर से छिड़क देते हैं। पौधे के लिए छायादार खेत भी उपयोगी होता है। आवश्यकता अनुसार खेत की सिंचाई करते रहते हैं। आरंभ में चिड़िया से बचाव करना आवश्यक होता है। बोरो धान में खरपतवार, कीड़े और रोगों की समस्या सामान्य धान की तुलना में कम होती है, लेकिन अच्छी उपज के लिए निम्न फसल सुरक्षा उपाय अपनाना आवश्यक होता है। समय समय पर भूरा धब्बा, झोंका रोग, शीत झुलसा जैसी बीमारियों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। बोरो धान में तना छेदक कीड़ा लगता है, उसमें हम लोग मेटासीट का छिड़काव करते हैं और एक चूसने वाला जो है बाली चूसने वाला कीड़ा लगता है उसमें फोलीडोल का हम लोग छिड़काव करते हैं। सुबह सुबह वो उसमें फोलीडोल का छिड़काव करते हैं और रोपने से काटने तक 30 पटवन लगता है और लास्ट में मई में गर्मी ज़्यादा होने पर सप्ताह में 2-3 बार पानी देना पड़ता है। और एक कीड़ा लगता है वो उसका बाली काट के नीचे गिरा देता है, उसके लिए भी हम लोग उसी मेटासीट का ही छिड़काव करते हैं। वास्तव में बोरो धान उन किसानों के लिए आशा की किरण है जिनकी खुशियां और उम्मीदें जल प्रवाह में बह जाया करती थी।